ये हो रही है जी इंजन ब्लॉक की वॉशिंग। ये मशीन होके आया है मशीन शॉप से, नई स्लीव लगे हैं इसमें 6 के 6 और थोड़ा बहुत काम हुआ है। कैम के बुश लगे हैं, दूसरी साइड से दिखेंगे जैसे दिखेंगे नहीं। और ये हेड है, इसमें नए वाल और फेस होके आया है। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं इंजन, इन फ्यूचर वीडियो आएगी तो बने रहें। ओके जी, है जी हेड, इसको हमने धोना है अभी। वैसे हम एक बार धो चुके हैं, एक बार और धोना है। हमारा ब्लॉक भी एक बार धुल चुका है, अभी एक बार और धोना है। उसके बाद इनको वाटर प्रेशर पंप पर रखा, उसके साथ धोएंगे और फिर जाके हमारा इंजन शुरू होगा बंधना। डीजल वॉशिंग हो चुकी है, कैरोसिन तेल से हमने इसको धोया है, तो सारा कलर जितना ओल्ड तेल था सब निकल गया। अब इसको हम वाटर प्रेशर के साथ धोएंगे, उसके बाद इंजन बनाएंगे। ये भी धुलेगा और ब्लॉक भी रेडी है, वो भी धोएंगे हम। हो चुकी है वॉशिंग, अभी ऐसे ही हमने ब्लॉक लेके आना है, उसको धोएंगे। और ये देखो जी चकाचक कर दिया काम, इसको पहले ड्राई करेंगे हम और उसके बाद ब्लॉक को करेंगे।
हेड और ब्लॉक हमें धोना है और ये मशीन शॉप से आया है, तो फटाफट इसके स्लीव्स हैं इनको ड्राई करके, हमारे पास हवा वाला प्रेशर है नहीं तो हवा बाहर मारने से जल्दी ड्राई हो जाता है, इनको ड्राई करके तुरंत इसमें कोई साफ तेल लगा दो ताकि जंग ना लगे। जब हम इसको इंजन को बनाएंगे उस टाइम दोबारा से कपड़ा मार के तेल हटा देंगे, वैसे तेल लगाना ही पड़ता है स्लीपों में, तो जंग ना लगे उससे बचाने के लिए तेल हमेशा लगा देना चाहिए हेड के फेस पे और इसके स्लीपों के भी अंदर। ओके जी, अभी फिर बना के दिखाते हैं इंजन, फिर मिलेंगे।